ये देखो हमारे साथी जो नए नए साथी पूछ रहे हैं उनमें कुछ फीमेल और आई हैं और उनमें से हमारे साथी एक सोनिया जी हैं, एक छोटे से बच्चे के साथ, 4 महीने के बच्चे के साथ आ रहे हैं। आप इनको देखकर आप और जो घर पे बैठे हुए हैं वो नहीं आ सकते क्या? प्लीज़ देखें और इस मैडम का मैसेज लिखें। हाँ जी मैडम, प्लीज़ सोनिया जी। हाँ जी, आप सभी साथियों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप इस धरने आइए और हमारा साथ दीजिए ताकि ये गवर्नमेंट कुछ कार्रवाई कर पाए, स्ट्रेंथ होगी तभी तो कुछ आगे बढ़ पाएगी। ये मैडम तो छोटे बच्चे को लेके, इतने छोटे बच्चे को लेके आगे बैठ सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं आगे बैठ सकते? मेरा 4 महीने का बेटा है, जब मैं इन लोगों का साथ दे सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए इस मैडम की, छोटी सी मैडम है, इनकी थोड़ी सी मुहिम देखिए और कितना अच्छे से यहाँ पर माहौल बना हुआ है। तो प्लीज साथियों पहुंचो, जितनी जल्दी पहुंच सकते हैं पहुंचे। एक छोटा सा बच्चा और माहौल देखो, यहाँ पर कितना पॉजिटिव माहौल है, सारे लोग साथी कितना उत्साहवर्धन के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो प्लीज साथियों पहुंचो। नमस्कार जी, मैं यहाँ पर 10 दिन से धरने पर बैठे हूँ। यहाँ पर सभी चीज का बंदोबस्त है, रहने का, खाने का, पीने का। मैं अपनी बेटी के लिए आया हूँ, आप भी अपने माता पिता को भेज सकते हो यहाँ पर, या और किसी थर्ड पर्सन को, बुआ भाई का और किसी का भी है तो उसको भेज देते हो। भाई यहाँ आओगे तो, भाई बहनों यहाँ आओगे तो कुछ पाओगे, सरकार तभी तुम्हारी सुनेगी। सरकार ये कह रही है यहाँ पर ज्यादा है, ज्यादा नफरी होगी तो हम ही उसके ऊपर एक्शन करेंगे, नहीं पूछोगे तो तुम्हारा कोई एक्शन नहीं होगा। या ज्यादा है ज्यादा आओ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, रहने खाने पीने की सारी सुविधाएं मिल रही हैं। मैं अपने बेटी के लिए यहाँ 10 दिन से पड़ाव डाल रखा है इस धरने के ऊपर TGT के साथ। सभी अपने माता पिता को भेजें, ज्यादा से ज्यादा आए यहाँ, बीमार का बयाना ना बनाए, बीमार का बयाना ना बनाए। यहाँ डॉक्टरों की भी सुविधा है, कोई आदमी ये सोचे कि मैं यहाँ आने से मेरी वो हो जाएगी, झूठ मत बोलो ने, अगर बीमार नहीं हो तो मत झूठ बोलो। यहाँ ज्यादा है ज्यादा आओ, ज्यादा है ज्यादा नफरी दिखाओगे तो भाइयों कुछ पाओगे, कुछ पाओगे, नहीं तो अंदर रही, घर के अंदर कुछ नहीं है, अपने हक के लिए लड़ो लड़ो। थैंक यू। यहाँ 200 गज की लड़ाई रह रही है, यहाँ कुछ पाओगे तो आओगे तो पाओगे। थैंक यू अंकल जी, धन्यवाद। ये देखो अंकल जी की बात कहने का मतलब क्या है, इतने दिन से स्ट्रगल कर ली है, हम लगभग फाइनल के आसपास पहुंच गए हैं और बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं। और प्लीज इस टाइम पर जितनी आप भीड़ कर सकते हो भीड़ कीजिए। धन्यवाद।